सबसे पहले तो मैं अपने तमाम हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको ईस्टर की मुबारकबाद दूंगी, और मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से कोरोना की वबा फैली है, हम सबको इस वक्त एक मोहतात रवैये की ज़रूरत है। और आपने देखा जिस तरह आज हमने यहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा किया था, और हम चाहते थे कि उन लोगों के अंदर इस वक्त जो परेशानी का आलम है, और हम देख रहे हैं कि हमारे बहन भाई इस वक्त तकलीफ़ में हैं, और ख़ास तौर पे हमारा वो तबका जो दिहाड़ी के ऊपर काम करता है, उन लोगों को इस वक्त बेशुमार मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। और ये एक छोटी सी कोशिश है, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वर्कर हूँ मैं, और मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई भी कहीं भी तकलीफ़ में हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये पहली काविश हमने शुरू की ईस्टर के हवाले से, और इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक से पहले हमारा ये प्लान है कि आब्दा मलिक फाउंडेशन के थ्रू हम ये सारा जो राशन है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी पहले मरहले में हमने 50 यूसीज जो हैं इनको सिलेक्ट किया, और 50 यूसीज में हमने 10 लड़के जो हैं उनको ये फैसला किया कि 10 लड़कों को मोटर बाइक्स के ऊपर पेट्रोल डलवा के देंगे, वो 10 लड़के 50 घरों के अंदर राशन तकसीम करेंगे। ये हमारा प्लान है, और अब दुआ करते हैं। ये अभी हमने अपने पर्सनल लेवल पे शुरू किया है, डोनेशन वगैरह कोई नहीं है इसमें, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। और हमारी कोशिश है कि ये कोरोना वायरस की वजह से हमारे बहन भाई जो मुश्किल में है इस वक्त, हम उनको जितना फैसिलिटेट कर सकें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी, और वैसे भी मैं तमाम लोगों से अपील करूंगी कि वो तमाम लोग जो इस वक्त घरों में बैठे हैं, हम इंडिपेंडेंटली लोगों की मदद के लिए निकल सकते हैं, हम अपने घरों से खाना पका के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो 20-20 लोगों का खाना पका के हम ज़रूरतमंद लोगों के घरों तक खाना पैक करके पहुँचा सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ ये है कि जिस तरह सिंध के अंदर काम हो रहा है, हुकूमत भी कर रही है और पर्सनली भी लोग जाके कर रहे हैं, पंजाब के अंदर भी ये काम होना चाहिए। और हमें अब ख़ुद अपने लेवल पे अपनी मदद आपके लिए एक कौम की हैसियत से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मेरा नाम बैरिस्टर सजल शहीदी है। मैं सबसे पहले तो ईस्टर की मुबारकबाद देना चाहूँगी सबको, और ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने घरों पर रहें और करें सेलिब्रेट, लेकिन अपने घर की विसिनिटी के अंदर ही करें। फाउंडेशन के हवाले से ये कि मेरी नानी जो थी वो पीपल्स पार्टी की फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी, और उनकी डेथ के बाद मेरी मदर पीपल्स पार्टी के साथ अटैच थी। तो अब मुझे लगा कि टाइम सही है कि अब हम भी अटैच हो जाएं और हम फाउंडेशन के थ्रू काम करना शुरू करें। तो ये उनके नाम पे मैंने फाउंडेशन बनाया, आब्दा मलिक फाउंडेशन, और उसी के थ्रू हम रिलीफ वर्क कर रहे हैं। आज से राशन की तकसीम शुरू कर दी भी है हम लोगों ने, और इसके साथ साथ ही जो PPEs हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है डॉक्टर्स वगैरह के लिए, वो भी मंगवाई हुई है। इंशाल्लाह वो भी जल्द आप देखेंगे कि उस पर भी काम शुरू हो। सबसे पहले तो मैं MPA साहिबा मलिक साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा, और बैरिस्टर सजल शहीदी साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया और मौका दिया कि आवाम की खिदमत आगे बढ़ चढ़ के करें। और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि ऐसे ही बचपन से मलिक साहिबा जो हैं, हमारी माँ जैसी हैं, हमारी आंटी हैं, वो आवाम की जब भी क्राइसिस में पाकिस्तान को आवाम आए, मुश्किल आए, तो वो आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने पीपल्स पार्टी का भी साथ दिया है और आवाम का भी दिया है। और इस मुश्किल घड़ी में जो मुस्तहिक लोग हैं, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे बढ़ चढ़ के, एक तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा बैरिस्टर साहिबा का कि उन्होंने आब्दा मलिक फाउंडेशन बनाई, अपनी नानी का ख्वाब पूरा किया उन्होंने, और जो वो 40-45 साल आवाम की खिदमत करती रही, जो उनकी वालदा ने की, उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के अब फैसला किया है कि वो अपने सारे काम साइड पर रख के इस मुश्किल कोरोना के घड़ी में आगे आके आवाम की खिदमत करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे टाइम में जब लोग घर से नहीं निकल रहे, चंद लोगों को इकट्ठा करना ईस्टर के मौके पर, ईसाइयों को ये बताना कि मुसलमान कम्यूनिटी जो है वो उनके साथ है, उनकी खुशी में भी साथ है, गम में भी साथ है, और ये शायद हर एक पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे बढ़ के इस मौके में उनका साथ दें, और आगे आने वाले जितने मुश्किल 4-5-6 महीने हैं, इन लोगों को जो डिज़र्विंग है उनका साथ दें, और उनको सबसे बड़ी बात राशन पहुंचाएं। और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेरी गुजारिश है सबसे कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स को मेडिकल इक्विपमेंट दी जाए। चाइना से बैरिस्टर साहिबा ने मंगवाई हैं, उनकी कंसाइनमेंट भी आ जाएगी, हम भी काम करने लगे हुए हैं,
تو جتنی ڈاکٹرز کو وہ اکوپمنٹس ملیں گی اتنا فائدہ آپ کا ہے, میرا ہے اور سب کا. یہ ایسٹر کا موقع ہے اور جب کوئی سیلاب زدگان کا مسئلہ آتا ہے, کوئی بھی ملک میں کسی بھی ہنگامی صورت حال میں فائدہ ملک اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور اپنی جیب سے کرتی ہیں, کبھی انہوں نے کبھی کوئی ڈونیشن نہیں اکٹھا کیا, یہ اپنی جیب سے کرتی ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360, لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے.